यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह सॉरी सॉरी। कमाल की खबर है, मेरे दोस्त चरण सिंह की टांगे टूट गई। कमाल की खबर है। कमाल की खबर कैसे? कमाल की खबर ऐसे है भाई और बहनों कि अब वो इंडिया और श्रीलंका का मैच देखने नहीं जा पाएगा। मतलब उसकी दो VIP टिकट्स मेरी हो गई, मतलब कि मैच देखने अब मैं जा रहा हूँ और तुम दोनों में से कोई एक बेवकूफ मेरे साथ चल सकता है। चौका मैं। तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो क्योंकि मैं तुम दोनों में से अपना फेवरेट नहीं चुन सकता। हालांकि तुम दोनों में से कोई एक मेरा फेवरेट है लेकिन मम्मी ने बताने से मना किया है। चलो रोन भैया एक कॉइन टॉस करते हैं। हेड्स मैं जीता, टेल्स तुम्हारे। नहीं 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 नहीं, मुझे पता नहीं इसमें क्या गड़बड़ है लेकिन मैं जानता हूं कि तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा ठीक है, तो मेरे पास एक और तरीका है। मैं एक नंबर सोचूंगा और हम में से जो भी इस नंबर को गेस कर सकता है वो जाएगा। नहीं, इस बार तो मैं इस साल में फंसने वाला हूं ही नहीं। ए, यूं ही पूछ रहा हूं, वो नंबर 6 था क्या? हाँ। खाने को चाहूं केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर। हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कैसा ड्रामा है अपना घर। इस घर में चारों ओर है पंगड़ा शंगड़ा शोर। आजा सन बेबी समझ ले तू भी नैपी, बांध हो जब तू तैयार। आजा सन बेबी रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे पले पले साथ साथ। आजा सन बेबी। डॉली मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, क्यों ना हम एक और बेबी। नहीं 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 माँ, मैंने पापा को भी कह दिया और अब आपको भी कह रही हूँ, और बेबीज नहीं। हो गया तुम्हारा, मैं कहने वाली थी कि क्यों ना हम एक और बेबी शावर ऑर्गेनाइज करें। आपका मतलब गोद भराई? डॉली गोद भराई नहीं, बेबी शावर। गोद भराई तो उसे पुराने जमाने में कहते थे। अब ठीक है माँ, लेकिन अचानक से ये बेबी शावर क्यों? तोहफों के लिए और किसके लिए। माँ लेकिन गोद भराई तो पहले बच्चे के पहले करते हैं ना, अगर पांचवें बच्चे के पहले करोगे तो कुछ अजीब नहीं लगेगा? हाँ लेकिन अगर कोई और मेरे लिए बेबी शावर ऑर्गेनाइज करे तो फिर तो अजीब नहीं लगेगा ना। और वो लकी इंसान कौन है? अच्छी कोशिश थी माँ, पर आपको कोई और बकरा ढूंढना पड़ेगा। हाय हाय, अंदर आओ अंदर आओ। पता है हम अभी अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, है ना डॉली? मेरे बारे में? हाँ मैं डॉली को बता रही थी कि दलजीत मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ तुम भी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। वो मैं दरअसल ना पैम के लिए डॉली से कुछ नोट्स लेने आई थी। डॉली तो जल्दी क्या है दलजीत, आओ ना बैठते हैं कुछ गपशप करते हैं। बैठो बैठो। मैं नोट्स लेकर आती हूँ, आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ वक्त बिता लो। तो बता मेरी बेस्ट फ्रेंड की जिंदगी में क्या चल रहा है? मैं तेरी बात कर रही हूँ। ज्यादा कुछ नहीं। वैसे अगर तू कुछ करना चाहती है तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए एक बेबी शावर ऑर्गेनाइज कर सकती है। मैं मेरी बात कर रही हूँ। क्यों नहीं। वैसे ये बेबी शावर क्या होता है? दलजीत गोद भराई को मॉडर्न लैंग्वेज में बेबी शावर कहते हैं। वैसे तो कितनी लकी है, तेरी बेस्ट फ्रेंड कितनी मॉडर्न है। हाँ वो तो ठीक है हिमानी, पर
हिमानी, मुझे लगता है ये बड़ा तामझाम वाला काम होगा। देख दलजीत, तुझे कुछ नहीं करना है, सारी तैयारियां ना मैं करूंगी। तुझे बस लोगों को बुलाना है ताकि उन्हें लगे कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे लिए बेबी शावर ऑर्गेनाइज किया है। हाँ हाँ, फिर तो ठीक है। लेकिन एक और बात, मैं चाहती हूँ कि ये मेरे लिए एक सरप्राइज हो। मुझे सरप्राइज बड़े अच्छे लगते हैं। पर इसके बारे में तो तुम जानती हो। बल्कि ये तो तुम्हारा ही आइडिया है, फिर तुम सरप्राइज कैसे हो सकती हो? सरप्राइज होने की एक्टिंग तो कर सकती हूँ ना। लेकिन ला 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 ला। हाय पापा, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? जैसे कि आप देख रहे हो, मैं बिल्कुल फिट हूँ। मैंने और सनी ने डिसाइड कर लिया है कि आपके साथ मैच देखने मैं जाऊंगा। हाँ, सिर्फ तुम? हाँ, और कोई नहीं? नहीं। आप मुझे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? पापा, कॉन्ग्रेचुलेशन अवतार सिंह, आपको मिलता है एक बेटे के साथ दूसरा बेटा। बिल्कुल मूव। मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था कि मैं किसी एक बेवकूफ को ही अपने साथ ले जा सकता हूँ। पापा मुझे लेके जाइए। नहीं, मुझे लेके जाओ, मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ। नहीं पापा, मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ। नहीं, मैं क्या प्यार है तुम्हारा? प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। देखो पापा, पहले मैंने कहा था कि मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए अब टिकट मुझे ही दोगे ना? पापा, आप मुझे टिकट नहीं भी दोगे ना, फिर भी मैं आपसे ज्यादा प्यार करूंगा। अब आप मुझे टिकट दोगे ना? पापा रुको, नहीं। क्या कर रहे हो माँ? अपने बेबी शावर के लिए मेहमानों की लिस्ट बना रही हूँ। आप अपनी पुरानी बहू शालिनी को भी बुला रहे हो? मुझे तो लगा आप उन्हें पसंद नहीं करते हो। नफरत करती हूँ मैं उससे, लेकिन तुम्हें पता है उसकी अभी अभी बहुत ही अमीर आदमी से शादी हुई है, यानी कि तोहफे में मिलेगा एक बहुत ही महंगा गिफ्ट। मुझे भी गिफ्ट चाहिए। नहीं निकी बेटा, ज्यादा स्वार्थी नहीं बनते, ये पार्टी मम्मी की है, समझी? माँ, वैसे प्रीति आंटी के आगे क्वेश्चन मार्क क्यों है? क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं उसकी बातें सुन पाऊंगी कि नहीं, वो ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड रहती है। हेलो जी, मैं हूँ प्रीति पीयूष पांडे, पीयूष प्रकाश पांडे की पत्नी, और ये है मेरी बेटी पिंकी पीयूष पांडे। क्यूट है ना? जब भी उससे बात करती हूँ मेरा सर दर्द होने लगता है। तो आप उन्हें नहीं बुला रही? ऑफ कोर्स बुला रही हूँ। पार्टी के लिए केक कौन बनाएगा? मम्मा, आपका कुछ नहीं हो सकता माँ। अब ये पूरी लिस्ट दलजीत को भेजूंगी और उसका रिप्लाई आएगा ढेर सारे स्माइलीज के साथ। पता नहीं इतनी खुश क्यों रहती है वो। वाह माँ, इनसे आपको नफरत है, ये आपको सरदा देती है, और ये कुछ ज्यादा ही खुश रहती है। आपकी तो पूरी की पूरी पार्टी ही फ्लॉप है। डॉली बेटा, ऐसा नहीं कहते, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में बात कर रही हो। पापा, रोहन सिंह और सनी सिंह, आपका स्वागत है। ये सब क्या चल रहा है? आज आप खेलने वाले हैं एक कमाल का खेल जिसका नाम है अवतार से प्यार, स्पॉन्सर्ड बाय एबीसी यानी अवतार बिजली कंपनी। इस खेल में हम ये देखेंगे कि आप अपने पिता अवतार के बारे में कितना जानते हैं। तो मिलिए आज के कंटेस्टेंट से। हाय, मैं रोहन। सनी। इस खेल में हम आपसे पूछेंगे आपके पापा और बिजली के आर्टिस्ट अवतार सिंह के बारे में कुछ सवाल। जो ज्यादा सही जवाब देगा उसे मिलेगा एक टिकट क्रिकेट मैच के लिए। ठीक है, तो तैयार? पहला सवाल, अवतार सिंह का फेवरेट। सही जवाब। दूसरा सवाल, तंदूरी चिकन।
ये भी सही जवाब। तीसरा सवाल, ब्लैक फॉरेस्ट केक। आप दोनों का सही जवाब। आप दोनों ने इस सवाल का एक साथ सही जवाब दिया है, तो इसके साथ ही स्कोर होता है सनी सिंह 2 पॉइंट्स और रोहन सिंह 2 पॉइंट्स। इसके साथ ही हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि खेल के ऑर्गेनाइजर्स को कुछ दूसरे सवालों के बारे में सोचना है जिनका ताल्लुक खाने से बिल्कुल ना हो। बाहर दलजीत आंटी, क्या पार्टी ऑर्गेनाइज किया आपने? मुझे नहीं पता था आप मम्मी की इतनी अच्छी दोस्त हो। मुझे भी हाल ही में पता चला है। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं प्रीति पीयूष पांडे। सॉरी मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आप तो दिल्ली के ट्रैफिक को जानते ही है ना? ट्रैफिक? पर आप तो पड़ोस से आई है ना? मारी है, चुप जाओ। चुप जाओ सब लोग। This is so exciting ना? मुझे तो समझ में ही आ रहा कि मैं कहाँ चुप हूँ। Surprise! पार्टी? वो भी मेरे लिए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मेरी तो आग भी भर आई। बेबी शावर, वो भी 5वें बच्चे से पहले। कुछ लोगों को ये अजीब लगेगा। इनविटेशन मिलने पर मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। शालिनी, तुम भी आई हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। आजकल सब लोग मुझे पार्टीज में इनवाइट करते हैं। तुमने तो सुना ही होगा, बहुत अच्छे घर में मेरी शादी जो हुई है। मुझे तो बस खुशी है कि तुम तोहफा ले आई। इनका मतलब है आप आई। अब इन्हें खुशी है क्योंकि आप आई, है ना माँ? हाँ हाँ बिल्कुल। दर्जी, हम पार्टी में कौन सी गेम्स खेल रहे हैं? गेम्स? अरे तुमने तो कहा था 5 बजे आ जाना। ट्रेजर हंट। वाह दर्जी, तुमने तो मैप्स भी बना लिए। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। दर्जी, तुम ना दुनिया की बेस्ट बेबी शावर्स ऑर्गेनाइज करती हो। क्या करूँ हिमानी, मैं हूँ ही ऐसी। एक्टिंग ना तो मुझ पर ही छोड़ दो। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है अवतार से प्यार में। हमारे कंटेस्टेंट सनी सिंह और रोहन सिंह खेलेंगे नया राउंड नए सवालों के साथ। क्या आप एक्साइटेड हैं? हाँ। आप कुछ नहीं कह रहे हैं सनी सिंह? पापा, मैं अपना वीडियो गेम आधे में छोड़कर आया हूँ, तो क्या हम ये सब जल्दी निपटा सकते हैं? तो हमारा पहला सवाल, अवतार सिंह के पापा का नाम क्या है? तुम्हारे पापा के पापा का नाम क्या है? मुझे पता है, मुझे पता है। दादाजी। गलत जवाब। तुम्हारे पापा के पापा का नाम है जगतार सिंह। आगे बढ़ते हैं। जगतार सिंह आगे बढ़ते हैं? ये कैसा नाम है? इस गेम में मैं तो हार ही नहीं सकता। अगला सवाल काफी आसान। अवतार सिंह की उम्र क्या है? 52। 69। 73। सवाल बदलते। अवतार सिंह का जन्मदिन कब होता है? बच्चों, इस सवाल का जवाब तो तुम्हें पता है। फर्स्ट जैन। सेकंड जैन। फोर्थ जैन। निकी, तुम मम्मी के साथ गिफ्ट खोलना चाहोगी? हाँ मम्मा। So sweet. मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो, कि मैं कितने प्यारे बच्चे पैदा करती हूँ। और काफी सारे भी। शालिनी, क्या कहा तुमने? मुझे ना बहुत प्यास लगी है, पानी मिल सकता है या जूस? बिल्कुल मिल सकता है। डॉली बेटा, शालिनी आंटी के लिए जूस ले आओ। और मैं वॉशरूम से आई। कितनी क्यूट बच्ची है ना? बेटा, आप कितने प्यारे हो। मेरा नाम है शालिनी आंटी।
मम्मा आपको पसंद नहीं करती। ऑफ कोर्स वो मुझे पसंद करती है, वरना वो मुझे पार्टी में बुलाती क्यों? आपके पास पैसे हैं। बिल्कुल सही कहा, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, जिसका मतलब है मेरे पास एक बहुत बड़ी गाड़ी है जिसमें मैं अपनी बहुत बड़ी गिफ्ट लेकर यहाँ से जा सकती हूँ। सुनिए 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 सुनो, कितनी अजीब बात थी ना। निकी बेटा, तुम्हारी मम्मी मुझे तो पसंद करती है ना? नहीं। क्या, क्यों? आप उन्हें सर्दर देती हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं अपने केक उठाती हूँ और चलती बनती हूँ। प्रीति जी, अरे अरे सुनिए सुनिए सुनिए, अरे हिमानी आ रही, आप भी जा रही हैं? और नहीं तो क्या? हिमानी, जरा वॉशरूम से जल्दी आना। आप लीजिए ना, आप लीजिए। पकाओ। पास्ती। चबड़ चबड़। बाय बाय। सेवन जुलाई। एट जुलाई। नाइन जुलाई। बस बस, मैं और नहीं झेल सकता। मुझे तो लगा था कि इस गेम में मजा आएगा, लेकिन तुम गधों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। 10 जुलाई। मेरी तो पूरी पार्टी फ्लॉप हो गई। मुझे वॉशरूम नहीं जाना चाहिए था, और मुझे किचन नहीं जाना चाहिए था। सारा मजा ही मिस कर दिया। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, शायद मेरा फोन बज रहा है। कोई बात नहीं हिमानी, कम से कम तुम ट्रेजर हंट तो जीत गई। और मुझे एक ही तोहफा मिला, वो भी सड़े से माँ बनने की DVDs। पर ये मेरी तरफ से था। मुझे ये तोहफा बहुत अच्छा लगा, थैंक यू दलजीत। लगता है निकी को ना आजकल कुछ ज्यादा ही समझ में आने लग गया है। सॉरी मम्मा। हाँ, कोई बात नहीं बच्चे, तुम्हारी गलती नहीं थी, किसी की भी गलती नहीं थी। लेकिन हिमानी, गलती तो किसी की भी गलती नहीं थी। छोड़ ना, रात गई बात गई। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के आती हूँ। निकी जल्दी जल्दी बता, मम्मा है ना मेरे बारे में क्या कहती है? मम्मा कहती है निकी, लगता है तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए। चलो कॉफी। निकी, मुझे लगता है हम सबको तुम्हारे सामने कुछ ज्यादा ही संभल के बात करनी पड़ेगी, वरना लोगों को पता चल जाएगा कि वो कुछ ज्यादा ही खुश रहते हैं। जी आंटी, आप पैम को लेने आए हो? नहीं, मैं तो कुछ ज्यादा ही खुश हूँ। चलो डॉली, निकलते हैं। हाँ पापा। निकी, मैं पापा के साथ क्रिकेट मैच देखने जा रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि सारे बच्चों में से सिर्फ मैं ही पापा का बर्थडे जानती थी। डॉली, हम लेट हो रहे हैं। तुम्हारा चेहरा मैं गाड़ी में पेंट कर दूंगा। ये, मैं जीत गई। मुझे बोलो बेस्ट ऑफ लक निकी। तो मैं कंजूस हूँ, तो मैं बुद्धू हूँ, तुम शैतान हो, और मैं जामेबाज हूँ। नहीं, तुम लोगों को ये सब किसने बोला? मैंने मम्मी। निकी की बच्ची, मैं तुझे छोड़ूंगी। खाने को चाहू केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर। आजा संदेश।